ओके कम ऑन, हम लोग पढ़ाई करेंगे अभी। अभी मेरे को ये बोलना था कि क्या बोलना था, मैं भूल जा रहा हूँ। बुकलेट फोर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्टी सिक्स में किसी को डाउट है क्या? 36 एक्सपेंस प्रॉफिट इंटरेस्ट प्रॉफिट। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। ठीक है, पब्लिक डिमांड बुकलेट 1 to 4 कुछ भी। 40 का कौन सा वाला पार्ट? ठीक है 40, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तेरे मन के अंदर सही में घुस गए हैं, वो एक्सपीरियंस से करा रहे थे सुबह से समझ। हाँ 2000 समथिंग आएगा और एक में, ठीक है ओके 40 लड़का बोल रहे, कर लेते हैं इसका भी मन का, नहीं तो फिर बोलेगा वहां हमारे मन का नहीं होता है। बुकलेट 4 का क्वेश्चन नंबर 40 सब लोग पढ़ना। अब सुनो बात को ध्यान से, इसमें ना आउटसेट नहीं बोला, इसमें टाइम टी पे खड़े हैं। आई गेस मेरे को जितना याद है 30 साल का आदमी है, 35 साल का पॉलिसी है, बोनस है और टाइम टी पर बोला है ना। टाइम टी देखो, ये रहा 0, ये रहा 35। व्हाट इज द टाइम लेफ्ट टू मैच्योरिटी? 35 माइनस टी, गुड। अब इसको ना दो पार्ट में तोड़ेंगे, अगर वो इंसान 35 से पहले मर गया तो क्या होगा, और अगर वो इंसान 35 के बाद मर गया तो क्या होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो इंसान 35 से पहले मरा तो क्या होगा, अगर वो इंसान 35 के बाद मरा तो क्या होगा। ठीक है चलो क्वेश्चन पढ़ लो, तुम लोग क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन पढ़ लेना, हाउ मेनी ऑफ यू वॉच माई GFLRB वीडियो? गुड, सब लोग को देखना है वो वीडियो। एक बार बताना क्या चीज बट ऑब्वियस है अगर वो 35 साल के बाद मरता है तो? पॉलिसी क्या है? एंडाउमेंट एश्योरेंस है, वो तो ठीक है, बट मेरा कंसर्न वो नहीं है, मेरा कंसर्न कुछ और है। मतलब मैं बोल रहा हूं क्या चीज बट ऑब्वियस है अगर वो एनविटी के टर्म से बोलो, मैं प्रीमियम दे रहा हूं 35 साल से ज्यादा जिया, इसका मतलब क्या है? सारा प्रीमियम्स दिया हूं ये चीज। ठीक है पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो। ढाई परसेंट का क्या है देख के बताना, 2.5% का कुछ है? गुड, तो मतलब 1 रुपया आ रहा है 2.5 पैसा जा रहा है, 1 रुपया आ रहा है 2.5 पैसा जा रहा है, मतलब नेट में हाथ में कितना बच रहा है? 0.975। सम एश्योर्ड कितना है? पहले मैं ये वाला, अच्छा यहां पर मेरा करटेट क्या हो जाएगा? के 30+t, बोलो हाँ के 30+t क्यों होगा बताना मेरे को, क्यों के 30+t होगा? बिकॉज यहां पर 30 था, यहां पर क्या हो जाएगा के 30+t। व्हाट इज द टाइम लेफ्ट टू मैच्योरिटी? 35 माइनस टी। तो पहले वाले में मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं कि वो के 30, लिखो फर्स्ट केस के 30+t की, पहला वाला केस में के 30+t विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू
35 माइनस टी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 35 माइनस टी. इसका मतलब क्या है? कब मर रहा है वो आदमी? मैच्योरिटी के बाद. मतलब कौन सा वाला बेनिफिट लेके मरेगा? मैच्योरिटी बेनिफिट. अब एक में दो तीन चीज बट ऑब्वियस है. सर बट ऑब्वियस मतलब क्या? बार बार बट ऑब्वियस करें. इस टी को ना टी की तरह मत देखो, इस टी को ना एट की तरह देखो, इस टी को एट की तरह देखो. जब हम लोग एट की तरह देखेंगे तब हमको पता चलेगा टाइम लेफ्ट टू मैच्योरिटी कितना है. टाइम लेफ्ट टू मैच्योरिटी 27 ईयर्स बचा है. तो 27 बार प्रीमियम देगा. देखो माइनस में आ जा रहा है. हम लोगों को क्या निकालना है? लॉस. रैंडम वेरिएबल है ना, तो लॉस क्या होता है? लॉस कैसे निकालते हैं? आउटगो माइनस इनफ्लो. आउटगो माइनस इनफ्लो तो माइनस में क्या आएगा? इनफ्लो. नेट में इनफ्लो कितना आ रहा है? मैं बोल रहा हूं नेट में इनफ्लो कितना आ रहा है? 0.975 इंटू कैसे है एनुअली इन एडवांस है क्या? ए ड्यू 35 माइनस टी. समझ गया, 27 को लिख रहा हूं, 35 माइनस 8. क्यों यहां पर सर्टेन क्यों है? क्यों केएक्स फेक्स नहीं आ रहे? अरे मैं यही तो अज्यूम किया हूं. अज्यूम क्या किया है? कि वो मैच्योरिटी को फाड़ के जिएगा, मतलब मैच्योरिटी के बाद मरेगा. तो ये वाला चीज बट ऑब्वियस है. दूसरा बट ऑब्वियस चीज क्या पता है? पैसा कहां देना पड़ेगा? इससे इजी वड़ा पाव बनता है, पता है? 20 मिनट को वो डालो, बन को डालो, चीज ले डालो, ऐसे ऐसे बनता है. वीट तुम लोग करते? हाँ करो करो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. आई एम प्रूफ, आई एम ये सबसे प्रूफ है, मतलब समझ रहे, वाटर प्रूफ. ऐसा वी टू द पावर 35 माइनस टी होगा. वी टू द पावर 35 माइनस टी क्यों होगा बताना? अरे 27 इयर्स पुल बैक कर रहे भाई, 27 को लिखे हैं 35 माइनस टी. अब इसके बाद में मैच्योरिटी में अमाउंट कितना है? 60,000. नहीं 60,000 नहीं है, कितना है? कितना बार बोनस लेके मरेगा बताओ? तेरी का केफे कर रहा है. कितना बार बोनस लेके मरेगा? 35 बार. कितना बार बोनस लेके प्योर एंडोमेंट देंगे? 35 बार. क्योंकि कितना साल का पॉलिसी है? मैच्योरिटी में मतलब कितना साल जिया? 35 बार. हर एक साल जीने पे एक बार बोनस. तो बोनस का रेट कितना दिया बताना? 1.019 ओवल है क्या? ओके 6 दिया होगा, ठीक है 4. टफ लग गया बोलो. हाँ पता था क्या चीज? देख लो ना, देख लो देख लो, बहुत सिंपल है. क्या चीज इसमें है ही क्या? लॉस का रैंडम देखो, उसका तोड़ो उसको तब समझ में आएगा. ग्रॉस फ्यूचर लॉस रैंडम वेरिएबल. फ्यूचर लॉस का मतलब क्या होता है? आउटगो माइनस इनफ्लो. 100 देना है 80 आएगा, तो लॉस कितना? 20 का. तो लॉस में हमेशा आउटगो माइनस इनफ्लो होता है. रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या होता है? आपको रैंडम वेरिएबल, दो ही रैंडम वेरिएबल पड़ा है, कौन कौन सा? केएक्स टीएक्स. इसके फॉर्म में पूरा को रिप्रेजेंट करना है. तो इस केस में मैंने क्या किया? पहले अज्यूम क्या कर लिया कि वो मैच्योरिटी के ज्यादा जिएगा. अब दूसरा केस में देखो, हल्का सा दिक्कत है, ज्यादा भी नहीं, हल्का सा बस. ये ना कॉपी करो. इफ के 30 प्लस टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 माइनस टी. इस टी को 8 की तरह सोचना है. बहुत लोग पीछे चल रहे हैं, नहीं हो पाएगा, नहीं होगा. अभी तक सारा सम्स वगैरह का हो जाना है. तुम लोग घर में आयाशी करो, मेरे को लग रहा है. मैंने गया कॉलेज से आया, मम्मी थक गए बेटा सो जाओ. मम्मी फिर से थक गए बेटा फिर से सो जाओ. ऐसे नहीं चलता है. कौन सा वाला? के 30 प्लस टी वाला, ये वाला. मैं अभी मेरा एज कितना है? व्हाट इज द करेक्ट फ्यूचर लाइफ टाइम रैंडम वेरिएबल? के 30 प्लस टी. मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 35 माइनस टी होगा. इसका मतलब क्या है? वो मैच्योरिटी के बाद मरेगा. यही तो रिप्रेजेंटेशन है. लॉस रैंडम वेरिएबल है. हाँ चीज को समझना. अब तुम्हें लॉस रैंडम वेरिएबल निकाला है तो इसका मतलब क्या है? तुम कोई भी टाइम टी पे निकाला है. रैंडम वेरिएबल क्या होता है? निकालता है कि एक्स इज इक्वल टू जीरो उस फॉर्म में. हाँ हाँ हाँ. अब टाइम टी कुछ भी हो सकता है. फिर से बोलो. हाँ ये प्योर एंड वाला बेनिफिट हो गया. अब नेक्स्ट करेंगे, अगर वो पहले मर जाता है तो क्या होगा? ठीक है ये लोग कॉपी हो गया. नेक्स्ट देखो, फोन छोड़ दो भावना. के 30 प्लस टी लेस देन 35 माइनस टी. अब कौन मेरे को हेल्प करेगा? हाथ उठाओ. मेरे को तो कौन हेल्प? तुम ही तो क्वेश्चन पूछा था रे.
तुम हेल्प नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा. कौन हेल्प करेगा, हाथ उठाओ. वेरी गुड चिराग, हाँ बोलो. अभी तो तुम हाथ उठाया, बोल. तुम घर पे पढ़ रहे ना, मतलब दिक्कत ही लग रहा है मुझे तुम लोग का. हाँ तुम बोलो, मानसी, मानसी बोलो. मानसी हाथ उठा रही पीछे से, बोलो. वेरी गुड, 60,000. ट्राई करो. एक्सीलेंट. 1.0192308. देखो कितना अच्छा समझा रही है. बोलिए सर, अभी तक का तो बोनस मिल चुका होगा, उसको क्या बोलेंगे, टी. ठीक है, और फ्यूचर में कितना मिलेगा. अच्छा बोनस जो है वो एंड ऑफ द ईयर है ना स्टार्ट ऑफ द ईयर, मेरे को ये बताओ. तो बोनस देखो तो क्या लिखा हुआ, प्लीज वाला लाइनिंग पढ़ना तो एक बार. बोनस कब मिल रहा है वाला लाइन पढ़ना तो एक बार वाला. गुड, तो अच्छा एंड ऑफ द ईयर है, मतलब हम जितना साल जिएंगे उतना ही बोनस मिलेगा ना, उससे एक ज्यादा. फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर यही तो पकड़ लिया ना, यही तो चीज समझो. तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते गला बैठ गया. क्या बोले थे, एडवांस के संग में हमेशा क्या आएगा, प्लस वन, वो फ्री गिफ्ट है. और अरियर ये एंड ऑफ द ईयर बोल रहा है बोनस, साल खत्म होगा फिर बोनस मिलेगा, तो साल खत्म होने के लिए जीना भी तो पड़ेगा ना, तो प्लस में आएगा. अच्छा और हम एक्सपेक्टेड कितना जिएंगे सर, वेरी सिंपल, K30+T सर. अरे कितना बर्थडे मनाएगा, और ये पास्ट बोनस हो गया, देखो लाल में देखो, अभी चल नहीं रहा, एक मिनट को. टी मतलब क्या हो गया, पास्ट वाला, एंड K30+T क्या हो गया, फ्यूचर वाला. तो टोटल में उतना बोनस मिलेगा, चीज को समझना. हम बोल रहे हैं हम 12 साल और जिएंगे, हम पास्ट में 8 साल और जी चुके हैं, तो कितना हो जाएगा, कितना बार बोनस, 20 बार ना, मतलब हम कहां से कहां के बीच में मर रहे हैं, 20 और 21 के बीच में मर रहे हैं. जब हम 20 और 21 के बीच में मरेंगे तो 21वां बोनस लेके मरेंगे ना, बिना लिए मरेंगे. क्यों बिना लिए मरेंगे, बिकॉज बोनस कब मिल रहा है, एंड ऑफ द ईयर. तो लास्ट बोनस कब मिला होगा, 20वां साल के एंड पे. ठीक है, तो ये हो गया. ठीक है, अच्छा अब देखो, तो पेमेंट इमीडिएटली है ना, एंड ऑफ द ईयर ऑफ देते, चीज समझना. इमीडिएटली में क्या आएगा, के ना टी, तो क्या आएगा, टी 30+T. टफ लग गया, बोलो. हाँ माइनस, माइनस 0.975 जो भी प्रीमियम. अच्छा वहां पर मैं प्रीमियम शायद भूल गया होगा लेना, तो प्रीमियम वहां पर लिख देना. प्रीमियम कितना आ रहा है बोलो, कैलकुलेट किया गया 1146.03 जो भी प्रीमियम है, पिछले वाले में मैं प्रीमियम लेना भूल गया था, उसको लिख देना. अच्छा अब यहां पर बताओ, एन्युटी कैसे मिल रहा है, एडवांस में ना अरियर में. तो जितना साल और जिएंगे उससे उतना ही देंगे प्रीमियम ना, एक ज्यादा, एक ज्यादा. और कितना साल जिएंगे सर, इतना साल जिएंगे क्या बोलेंगे, मतलब ऐसा लग रहा है कि क्लास टू में वापस चला गया हूं. ठीक है, इजी होगा, नहीं तो फिर आप बना नहीं पाएंगे, बिकॉज में मैच्योरिटी बेनिफिट, डेथ बेनिफिट दोनों है, तुम इसको ब्रेक नहीं कर पाओगे. आउटसेट को जनरली उसमें आउटसेट पे होता है, जनरली उसमें आउटसेट पे होता है, या फिर तुमको बोल देता है कि 10 साल के बाद बनाओ, 20 साल के बाद बनाओ, तब इट्स इजी. यहां पर बहुत ज्यादा वो हो जाएगा. जोर से बोल, तुम समझो मिनिमम वाला करते जब एक में बनाना होता, लेकिन इसमें एक में बना नहीं पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. ठीक है एला, कॉपी कर लो, जोर से बोलो. ये ला फिर से, अच्छा कौन समझाएगा, अभी हम समझाए, कौन समझाएगा, श्रेष्ठ तुम समझाओ सबको. ये ला पूरा समझाओ, जोर से समझाना. ठीक है, बोर्ड पे लिखा हुआ है बोनस कैसे आया, बोनस वाले पार्ट में उसको डाउट हो रहा है, बोनस वाले पार्ट समझाओ. टी मतलब टी ईयर्स जीत चुके हैं, तो टी बार बोनस मिल चुका होगा, और फ्यूचर में कितना बार मिलेगा, के 30+T, जितना साल जिएंगे तो टोटल बोनस कितना अवॉर्डेड होगा, टी प्लस के 30+T. ओके, अब वहां पर वी टू दी पावर टी 30+T क्यों आ रहा है, डिस्काउंटिंग फैक्टर,
हाँ इमीडिएटली माइनस में क्या आ रहा है 0.975 इनटू प्रीमियम इनटू एडीयू, जितना साल जिएंगे उससे एक ज्यादा प्रीमियम देंगे, इसलिए के 30 प्लस टी प्लस 1। चीज बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? पक्का बोलिए, ठीक है? पब्लिक डिमांड, हाँ मैं देख लेता हूं कैसा है, बहुत इजी सा होगा तो नहीं कराऊंगा। क्या डाउट हुआ इसमें, जोर से बोलो। हाँ एक बात बोले तुम लोगों को, बुरा मत मानना, ठीक है? बुरा मत मानना, चीज समझना। आज तक क्या हो रहा था देखना, प्रीमियम मिल रहा था 10,000, प्रीमियम सुनना ध्यान से, प्रीमियम मिल रहा था 10,000, 5% एक्सपेंस जा रहा था, तो नेट में कितना आ रहा था, ठीक है? आज इस सम में क्या हो रहा है, सम नंबर 46 में क्या हो रहा है, शी हैज आस्क्ड अबाउट एन्युटी पेमेंट एक्सपेंस एपीई एप, ठीक है? अब सुनो, तो हम बोल रहे हैं एन्युटी देना पड़ रहा है 10,000 का, और वो देंगे उसका घर जाएंगे सामान लेके, जेड गेट का सिक्योरिटी सब लेके जाएंगे, तो कितना खर्चा होगा, 2.5% ऑफ ईच एन्युटी पेमेंट। तो आज क्या टोटल खर्चा कितना हो गया, 10,000 प्लस 2.5%, तो टोटल कितना आ जाएगा, समझा चीज को, एन्युटी पेमेंट एक्सपेंस, तो माइनस मत करना प्लस होगा, ठीक है? GFLRV क्या नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये लोग बहुत लोग नहीं किए, करा दूंगा, ठीक है? एक बार तुम लोग वाला वीडियो देख लेना, फिर मैं करा दूंगा, ठीक है? ओके ओके, एक बार सुन लेना, अब मैं आ रहा हूं, मैं आ ही रहा हूं, बस बोलो तो एक पूरा सम प्रॉफिट टेस्टिंग का करा दूं, करवा दूं क्या, मजा आएगा? आओ प्रॉफिट टेस्टिंग में आओ, अच्छा इजी वाला करवाएं कि डिफिकल्ट वाला, आगे से स्टार्ट करें या पीछे से, मिल गया। क्वेश्चन नंबर 25, देखा अब बोल बोल, अब क्या चीज, नहीं प्रॉफिट टेस्टिंग वाला क्वेश्चन नंबर, जो जो किया है बताओ उसको डाउट है कि नहीं है, इसमें बुकलेट नंबर लास्ट वाला बुकलेट, पीछे से स्टार्ट कर, पीछे से, क्या चीज, हाँ हाँ क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ प्रॉफिट टेस्टिंग बुकलेट पीटीबी, आई नो इट्स देयर इन द वीडियो बट स्टिल मैं वापस से करा दे रहा हूं, क्या चीज भाई, मेरा वीडियो बहुत एग्जॉस्टिव है, अगर एक नॉर्मल बच्चा CT5 अच्छे से पढ़ा है और अगर वो सारा सम्स का क्लास देखा है तो उसको 10 सम से कम में डाउट नहीं होगा, पूरा थ्रू आउट बुकलेट्स 10 सम से ज्यादा में डाउट नहीं होगा, और CT5 में डाउट होने नहीं चाहिए भाई, क्या करें, सारा तो वीडियो में है तो कराना तो पड़ेगा ना, ऐसे बोले पैसा ले लिया कराया नहीं, इधर सबसे पहले बोलेगा, हंस के रहे क्यूट है भाई, कुछ भी बोलो क्यूट है, मारो ढोक लो क्यूट तो है। ओके क्वेश्चन नंबर 25, 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को करने का, एक जरूरी चेतावनी, ये जो सम है ना ये एक अलग टाइप का सम है, तभी ये लाइव में हो रहा है। अब सुनो इस सम में, तुम पढ़ो मत, मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ देखो, इस सम में ना तुम लोग को बोल रहा है
बताओ कि अगर हम फर्स्ट ईयर में मर जाएंगे तो क्या होगा, बताओ कि अगर हम सेकेंड ईयर में मर जाएंगे तो क्या होगा, बताओ कि अगर हम फर्स्ट ईयर में विड्रॉ करेंगे तो क्या होगा। तो वैसे मुंह क्यों बना रहे हैं, बताओ कि अगर हम सेकेंड ईयर के एंड पे जिंदा रहेंगे तो क्या होगा। तो सुनो, आज तक हम लोग कॉलम्स बनाते आए हैं, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड, अरे काहे का एक्सपेक्टेड, क्या बोल रहा क्वेश्चन में, बताओ कि अगर हम मरेंगे ही तो जो डेथ वाला मैच्योरिटी वाला जो कॉलम्स है ना उसको हटा देंगे। बताओ तो कौन समय, यूलिप का समय ना कैसा समय, यूलिप का समय। तो अच्छा, तो सबसे पहले एक नोट लिखो, नोट लिखो, नोट लिखना, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 25 बोथ आर सेम, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 25 बोथ आर सेम। इन दिस, इन दीज, दिस तो नहीं होगा, दीज हो जाएगा, इन दीज क्वेश्चंस, इन दीज क्वेश्चंस वी आर आस्क्ड अबाउट दिस स्पेसिफिक केसेस, इन दीज क्वेश्चंस वी आर आस्क्ड अबाउट दिस स्पेसिफिक केसेस, सो वी आर गोइंग टू इग्नोर, थोड़ा रफ लिखवा रहा हूं, ठीक है, सो वी आर गोइंग टू इग्नोर द एक्सपेक्टेड डेथ एंड विड्रॉल एंड सरेंडर एंड मैच्योरिटी कॉलम्स। अरे शॉर्ट में लिखो ना, ईडीसी, ईएमसी, ईएससी, वी आर गोइंग टू इग्नोर ऑल दीज कॉलम्स, सरेंडर डेथ, जो भी है क्वेश्चन में पढ़ा नहीं हूं, सरेंडर डेथ विड्रॉल मैच्योरिटी, वी आर गोइंग टू एंड विल मेक ओनली द सर्टेन कॉलम्स, एंड विल मेक ओनली द सर्टेन कॉलम्स। Then, once we arrive at non-unit final cash flow, पीछे से नहीं देखना है, पीछे में लोग थोड़ा अजीब तरीके से किया, मैं जो बता रहा हूं वैसे करना, इसे डायरेक्ट हो जाएगा। Then, once we arrive at the non-unit cash flow, from there, we are going to make the adjustments. From there, we are going to make the adjustments of from there, we are going to make the adjustments of death, surrender, maturity, etc. Death, surrender, maturity, etc. अब चीज समझा हिंदी में, अब हिंदी में समझो, इंग्लिश तो लिख लिया, हिंदी में समझो, ये बाहर वाले लोगों के लिए। अब सुनो, अभी बोलने का चाह रहा है, बोलता है फर्स्ट ईयर में मरेगा, तो जब मैं बोल रहा हूं फर्स्ट ईयर में मरेगा तो वो जो एक्सपेक्टेड वाला जो कॉलम है वो होगा ही क्यों उसमें, पहले तो लोगों को कॉलम्स डिसाइड करना पड़ेगा ना कि क्या क्या कॉलम्स बनेंगे। तो एक्सपेक्टेड वाला नहीं ले रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं मेरा फाइनल कैश फ्लो, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर का इट्स कमिंग टू बी 84, फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव आ रहा है 84। अब मैं बोल रहा हूं मरेगा तो 5000 रुपया मेरे को देना है, मरेगा तो 5000 रुपया मेरे को देना है, वो तो देना ही है ना, तो -84 -5000 कुछ इस तरीके से। कुछ लोग घुमा फिरा के बोलेंगे कि मैक्सिमम ऑफ बिड वैल्यू एंड योर 5000 और 10000, जैसे हम लोग करते आए हैं यूलिप के क्वेश्चन में, ठीक है। चलो क्वेश्चन पूरा बाबा का नाम लेके पढ़ते हैं, ठीक है, एंड फिर इसको सॉल्व करेंगे। चलो क्या चीज, आओ क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। बाप रे बहुत बड़ा, तुम लोग पढ़ो। दो साल का है, ₹6000 का प्रीमियम है, 98% एलोकेशन है, मतलब बहुत ही अच्छा कंपनी है ना, खराब कंपनी है, लूटने वाला कंपनी है ना, अच्छा कंपनी है, अच्छा है। पॉलिसी फीस, बिड ऑफर स्प्रेड, एएमसी देखिए, एएमसी सर 5 करोड़ का सैलरी देंगे, कहां से आएगा,
बीड ऑफ अ स्प्रेड के लिए मैंने क्या बताया था, प्लीज मेरे को याद कराइए, बीड ऑफ अ स्प्रेड के लिए मैंने क्या बताया था सर? जब हम लोग इन्वेस्टमेंट्स, हाँ फॉर एग्जाम्पल यू कैन कोट, जैसे अभी बस फोन आता है जब किसी का इंटरव्यू होता है ना, भैया प्लीज अभी मेरा इंटरव्यू 4 बजे, 1 घंटा आपको दे देंगे, अरे तो 4 बजे इंटरव्यू, हम क्या करें, 1-1 घंटा मांगता पूरे में, बोलो पूरे पूरा भी हमको अच्छे से CT1 और CT5 रिवाइज करा दीजिए, ये पूछता है बिड ऑफर स्प्रेड क्या होता है, उनको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डॉलर, जब आप बैंक से बाय करने जाते हो तो थोड़ा महंगा मिलता है, जब आप वही चीज बैंक को सेल करने जाते हो तो हल्का सस्ता बिकता है, उसको बोलते हैं बिड ऑफर स्प्रेड। ठीक है, तो 6% का देयर इज बिड ऑफर स्प्रेड। AMC क्या होता है सर? एक फंड मैनेजर को रखे हैं, उसका सैलरी है तो आपसे काटेंगे क्योंकि आपका फंड मैनेज कर रहा है, थोड़ी कुछ कर रहा है। ठीक है, तो ये सब हो गया। अगेन द मेन पार्ट, ओहो भाई, इफ द पॉलिसी होल्डर डाइज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी द डेथ बेनिफिट ऑफ 200% ऑफ द बिड वैल्यू ऑफ द यूनिट्स इज पेबल एट द एंड ऑफ द पॉलिसी ईयर ऑफ डेथ। इसका मतलब हम बोल रहे, बताना मेरे पे कितना जिम्मा, 100% ना 200%, 100% बिकॉज 100% तो उसका बिड वैल्यू से कटेगा, बाकी 100% हमको देना पड़ेगा। आगे पढ़िए, ऑन मैच्योरिटी 100% ऑफ द बिड वैल्यू यूनिट्स इज पेबल। अब सरेंडर के लिए देखो एक पैराग्राफ है, द पॉलिसी होल्डर मे ओनली सरेंडर द पॉलिसी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पॉलिसी ईयर। कोई गधा ही होगा जो सेकेंड ईयर में सरेंडर करेगा। ऑन सरेंडर बिड वैल्यू ऑफ यूनिट्स लेस अ सरेंडर वैल्यू पेनल्टी ऑफ 500 इज पेबल। इसका मतलब पता क्या है? अरे तेरा पेनल्टी, मेरा प्रॉफिट, हम कौन, हम कंपनी है, हम इंश्योरेंस कंपनी, तेरा पेनल्टी, मेरा तो प्रॉफिट है ना, तो जो 500 रुपए जो काटा है वो किसके लिए काटा है, हमको मिलेगा। मतलब अगर मान लो बोलता है फर्स्ट ईयर में सरेंडर कर दिया एंड इफ द कैश फ्लो इज -84 तो फाइनल कैश फ्लो क्या हो जाएगा, -84 प्लस ना माइनस प्लस। ठीक है, तो ठीक है वैसे तो ठीक है, बाकी सब करो कब करो, सिलेक्ट मोडालिटी है, चलिए करिए, स्टार्ट करिए। तो कॉलम्स में से मैंने, अच्छा मेरे को ये बताओ, कॉलम पहले हम लोग क्या कितना बताते थे बताओ, मैं भी आज तुम लोग के संग करूंगा, कभी आज से कोई बैच के लिए नहीं किया, तुम लोग के लिए कर रहा हूं। पहला यूनिट फंड, यूनिट फंड के लिए, हाँ बोल, ओ इयर्स, इयर्स के बाद प्रीमियम, फिर प्रीमियम एलोकेटेड, फिर पा, फिर आगे कौआ, फिर तुम EDC, तुम आउट हो गए गेम से। PF आगे वैल्यू ऑफ फंड एट स्टार्ट ऑफ ईयर, वैल्यू ऑफ फंड एट स्टार्ट ऑफ ईयर, फिर क्या आएगा, वैल्यू ऑफ फंड एट एंड ऑफ ईयर बिफोर AMC, फिर क्या आएगा, फिर सर आप तुम लोगों को गधा बना दिए, क्यों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सेम ही है। ठीक है चलो स्टार्ट करो, डायरेक्ट काट सकते मतलब, नहीं 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 करना पड़ेगा, क्या कर दिए भाई, हमको हो गया 25 साल, हम पढ़ा रहे एक टांग पे खड़ा होके ऐसे तो पैर दुख रहा है इसलिए, तो तुमको तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही, तुम बैठ के समझ कर प्रॉब्लम हो रही, देखो नालायक कहीं का नहीं, ओहो हम डायरेक्ट निकाल सकते कैलकुलेटर से, ऐसे नहीं होता, पूरा बनाना पड़ेगा, PF लेना पड़ेगा, कॉलम लेना पड़ेगा, बोल तो रहे कितना बार बोलेंगे, अजीब है वो लोग की तरह करो, वो लोग क्या कहता है प्रीमियम के बाद कॉस्ट ऑफ एलोकेशन सीधा, ऐसे नहीं होता है, सब कॉलम बनाना पड़ेगा, वो लोग मतलब वैल्यू ऑफ फंड एट एंड ऑफ ईयर आफ्टर AMC, एक ए और होगा देख लेना ऊपर, ठीक है चलिए पूरा फिल कर दीजिए, 2 साल का ये फटाफट झट झट करके फिल कर दीजिए, झटपट करके
तुम लोग को अभी इस बात से डर नहीं लगना चाहिए कि हम लोग को एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, अब एग्जाम में आएगा सारा चीज, लेकिन कितना स्पीड से बनाते हो उसमें फर्क पड़ता है। 5 मिनट में ये बन जाना चाहिए, 5 मिनट में। चलो स्टार्ट करो, ध्यान रखना कैलकुलेशन एरर मत कर देना, फिर जल्दी करके कोई फायदा नहीं हुआ। प्रैक्टिस आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना, मतलब मेरा क्लास में ये लो हो रहे बेटा? क्यों तुम पढ़ नहीं रहे घर पे? अच्छा से कर, अच्छा से कर, अच्छा से कर, पढ़ा जरा सर हो गया। सम्स वाला क्लास देख भाई, कब देखेगा? कुशल पूरा अपडेट है, कब करेगा? भाई भाई स्टार्टिंग में कैसे बनेगा तुम बता? नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा पहले फर्स्ट टाइमर में पूरा सॉल्यूशन देख के बनाना पड़ेगा। जब सेकंड टाइम बनाएगा तो तेरे को लगेगा तेरे को हल्का हल्का आता है, फोर्थ टाइम में तेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा बहुत है। तुम लोग टाइम के लिए क्यों सोच रहे हैं? पूरा अपना जी जान लगा के पढ़ो भाई, टाइम बहुत है। तुम लोग ये चीज नहीं समझ पा रहे, टाइम बहुत है। तुम लोग बाकी लोग से क्यों कंपेयर कर रहे हैं कि वो 6 महीना पढ़ा, हम 3 महीना? वैसे नहीं होता है, वो कुआं में गिरेगा, तुम भी कुआं में गिर जाएगा क्या? हर एक चीज को पढ़ने का क्या टाइम होता है? 3 मंथ CM1 इज मोर देन इनफ। तो CS2 में तुम 2 साल ले लेगा पढ़ने में? कौन बोला भाई, बंद कर दिए। अब नेक्स्ट सेमिपिल के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए, 1 बैच इज ऑलरेडी फुल। मैं दिखता हूं स्वीट इंडोसेंस फॉर्मी टाइप का। इसके बाद में नॉन यूनिट में क्या क्या बनेगा बताना, नॉन यूनिट में क्या क्या बनेगा प्लीज बताओ।
सब बनेगा, खाली क्या नहीं बनेगा ये बता दो बस। चलो बनाओ 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 बनाओ, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर मैन, कम ऑन। ये ला फैन ऑफ कर दो ना उसको, थोड़ा ठंडा लगा। सेवेंटीन नंबर घर में जाके बना लेना, ठीक है। ऑफ कर दे कोई दिक्कत नहीं है, हम बोल रहे ऑफ कर दे कोई दिक्कत नहीं है। सुनना प्रीमियम माइनस, अच्छा सुनो प्रीमियम माइनस कॉस्ट ऑफ एलोकेशन नहीं होगा, मतलब प्रीमियम माइनस कॉस्ट ऑफ एलोकेशन करो पहले। नहीं ठीक है ठीक है, प्रीमियम माइनस कॉस्ट ऑफ एलोकेशन पहला कॉलम हो गया, सॉरी पहला कॉलम तो हमेशा इयर्स होता है, उसके बाद में पॉलिसी फीस ये क्या होगा प्लस होगा, और क्या है एक्सपेंस एंड कमीशन है, एक्सपेंस है कमीशन है, फिर क्या है इंटरेस्ट, फिर क्या है एएमसी, फिर क्या है पीएफ का, ठीक है पीएफ को अलग ही रखना। तुमको पता है क्या प्रॉब्लम होगा तेरे एग्जाम में, लाइक डूइंग द सम देयर एंड डूइंग द सम हियर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, दिस थिंग मीन्स डूइंग द सम इन एग्जाम। तुम अगर वहां पर पीएफ नहीं लिखेगा ना, तुम जल्दबाजी में पता क्या करेगा, ये ला भूल जाएगा, ये भूल गया मतलब गया, परसम गया। बहुत स्टेप मिलता है भाई, स्टेप समय तो तुम पास होगा स्टेप बाय स्टेप, पूरा पूरा तरह होगा ना एग्जाम में, नहीं तो आज हम पढ़ाई नहीं रहते भाई, इधर में स्टेप नहीं मिलता तो एक्सेल में मिलेगा, मिलेगा 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 सब मिलेगा। डरिए मत डरिए मत, एग्जाम बहुत इजी है, डरिए मत। पहला सवाल कितना आ रहा है अभी तक, हो जाना चाहिए था -84.88। अच्छा ये जो इंटरेस्ट है, मान लो पैसा माइनस में आ रहा है तो इंटरेस्ट देंगे ना लेंगे, देंगे, और अगर पैसा पॉजिटिव में आ रहा है मतलब इंटरेस्ट लेंगे। अच्छा एएमसी जो है वहां से माइनस, यहां पर क्या प्लस, पॉलिसी फीस वहां से माइनस यहां पर क्या प्लस। पढ़िए पढ़िए, फाइनल आंसर बताइए मेरे को प्लीज, सेकेंड ईयर का बताना। 447 पॉइंट पॉजिटिव या नेगेटिव, हाँ जा देखो, तो एक डेथ क्लेम एक्सपेंस भी है, कितना का है, एंड मैच्योरिटी क्लेम एक्सपेंस कितना है, अच्छा सुनो यहां तक आ गया सबका,
पहले वो सब करिए जो करना है, मेरा कॉपी, रिवीजन बुकलेट और जो भी एक तो पतला सा एक तो और देंगे स्पाइरल उसको, उसके बाद मैट वगैरह में दिमाग लगाइए, एक्स्ट्रा टाइम बचे तो। उस दिन वो क्या बोली, एक एक चीज को दो दो बार नहीं करेगा तो कोई फायदा नहीं है क्या हुआ। तो दिमाग से करो, अनप्लान्ड वे में कुछ भी मत करना। एक्सेल का वो जो पेपर भी का रिसोर्स है, पहले उसको दो बार पूरा एकदम बढ़िया से करो, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सिंपल है, थियरी में 80 मार्क्स एंड एक्सेल में 70 मार्क्स, 70 × 0.321, 56 × 21 कितना होता है 77। तो 77 से 80 से नीचे किसका आना ही नहीं चाहिए। अब अगर किसी का 67 आता है मतलब होशियारी लगा रहा है, वो सब कुछ करके जा रहा है, ऐसे नहीं होता। पहले जो करना है उसको करो, जहां से आता है मेजरली कॉन्सेप्ट को ठीक करो, सम अपने आप बनेगा। आओ ये हो गया। अब पहला, मेरे को सम से मतलब नहीं है, सम को जाने दो भोग में, छोड़ो। इधर देखो, फर्स्ट केस तुलू लिखो, फर्स्ट केस डेथ इन फर्स्ट ईयर, डेथ इन फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो अगर डेथ इन फर्स्ट ईयर होता है सर, तो मेरे को ये बताइए, अगर पहला साल में डेथ हो रहा है तो सेकेंड ईयर का कैश फ्लो पनप सकता है क्या? नहीं जी, समझ गए हम क्या बोल रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो कितना था, NUCF वाला -84.88, ठीक है। फर्स्ट ईयर में डेथ होगा तो 200, संग संग मत लिखो 200% ऑफ द बिड वैल्यू। व्हाट इज द बिड वैल्यू? 5679। जितना 5679 है उतना ही मेरे को भी देना पड़ेगा, तो क्या होगा -5679। सर व्हाई aren't यू मल्टीप्लाइंग द प्रोबेबिलिटी हियर? क्यों प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं? बिकॉज बोल दिया है ना। अच्छा अगेन देखो, फिर से मिस आउट होगा, -90 भी होगा, बोलो हाँ। क्यों -90 होगा? गुड, क्यों मैंने समझ में आया सको, क्यों -90 होगा? इसके बाद में ये आ गया, करो इसको लिख दो कितना आ रहा है। -5854.05, ये ईयर वन का है, ठीक है। इसके बाद में अब सुनना, ईयर टू का कैश फ्लो क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। सरेंडर का करते, चलो सरेंडर का करते हैं। तो सरेंडर में ईयर वन में क्या होगा पता है? -84.88 + 500। ईयर टू का कैश फ्लो क्या हो जाएगा? जीरो। सॉल्व कर लो इसको, कितना आ रहा है? क्या चीज? गुड, ईयर टू का कैश फ्लो हो जाएगा जीरो। फोकस करो, फोकस बनेगा नहीं तो एग्जाम में भी लास्ट वन आवर में एकदम वो हो जाता है, मतलब उप जाते हैं, पता है सम्स करते करते ऐसे लगता है कब खत्म होगा, उसमें बहुत गलती होता है। 3 घंटा का मिनिमम सिटिंग होना ही चाहिए, एग्जाम में भी ऐसे लगेगा यार अब कब खत्म होगा, अब खत्म होगा, ऐसा होता है, ठीक है। सुनो अब देखो, डेथ इन सेकेंड ईयर, हाँ सरेंडर वाले में क्या था, ये देखो ईयर वन में क्या है? इतना मेरा कैश फ्लो था। अब सरेंडर होगा तो बोलता है जितना तुम्हारा बिड वैल्यू था उतना दे देंगे, ₹500 काट के। तो ₹500 काटे ना, कौन काटा? हम कौन? इंश्योरेंस कंपनी। तो ₹500 काट के प्लस हो गया, मतलब अरे वो तो बिड वैल्यू तो उसी का है, तुम समझा नहीं। फर्स्ट वाले में क्या बोले? 200% ऑफ द बिड वैल्यू देना है। तो 100% तो उसका अकाउंट से कटेगा, उसका अकाउंट में तो बैलेंस है ना 100%, दैट इज 100%। 100% मेरे को ऊपर से देना पड़ेगा। यूलिप का कॉन्सेप्ट क्या, आपका बैलेंस आपको दिखा रहा है, ऊपर में जो देना पड़ेगा वो मेरे लिए खर्चा है। इसलिए बनाते थे एक्सपेक्टेड डेथ कॉस्ट, नहीं एक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा डेथ कॉस्ट। अच्छा तो यहीं पर कर लेते हैं, अगर डेथ सेकेंड ईयर में होगा, ध्यान सुनना, अब बच्चा यहां पर कंफ्यूज, डेथ सेकेंड ईयर में होगा तो ईयर वन का कैश फ्लो कितना होगा? -84.88। ईयर टू का कैश फ्लो कितना होगा? कितना था बताना? 447.31। अच्छा कितना देना है? 100% ऑफ बिड वैल्यू, बिड वैल्यू कितना है? 115.12.68 -90। समझ में आया सबको? सेकेंड ईयर का जो बिड वैल्यू है उतना देंगे,
अगर सर्वाइव कर जाएगा तो ईयर वन पे कितना होगा? -84.88. ईयर टू पे कितना होगा बताना? 447.31 -55. मैच्योरिटी बेनिफिट एक्सपेंस है, निकाल लो सारा सारा निकाल लो। चाप का कोई बात नहीं है, सब सम्स में सब एकदम इजी इजी सम्स है। अभी कुछ नहीं, अभी खाली कैश फ्लोज निकाल रहे हैं, अभी खाली कैश फ्लोज निकाल रहे हैं बस। अब नेक्स्ट लिखना, यहां तक सबका हो गया? अब नेक्स्ट लिखना कंट्रीब्यूशन टू टोटल ईपीवी, कंट्रीब्यूशन टू टोटल। सब लोग लिखेगा, जो सोच रहा है देख लेंगे घर पे, नहीं समझ आएगा पीछे से देख के कंट्री। हाँ क्या करे बैक, कंट्रीब्यूशन टू टोटल ईपीवी ऑफ इंडिविजुअल केसेस, ऑफ इंडिविजुअल केसेस। ईपीवी दो शब्दों से बना हुआ है, ई और पीवी। ई का मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी, एंड पीवी मतलब क्या? डिस्काउंटिंग। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। टानने का रेट क्या दिया हुआ बताना? 6% दिया हुआ है। चलो केस वन मिटा रहे हैं। केस वन में क्या है? डेथ इन फर्स्ट ईयर। तो क्या कैश फ्लो आ रहा था बताना एक बार? -5854.05। डिवाइड किससे करेंगे? 1.06 से, एंड मल्टीप्लाई किससे करेंगे? Q45 सेलेक्ट बिकॉज ईपीवी बता रहे हैं। इस एलिमेंट का टोटल ईपीवी में क्या कंट्रीब्यूशन है? ठीक है तो लिखना -5854.05 डिवाइड बाय 1.06 इनटू Q45 सेलेक्ट। आई होप सबको समझ में आया है। मैं सारे केसेस का ईपीवी निकालना चाहता हूं। ठीक है तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना है वो बताना चाहता हूं। ठीक है फिर आएगा सरेंडर इन फर्स्ट ईयर। अच्छा सरेंडर देखो कब हो सकता है, विच इज द मेन क्रक्स ऑफ प्रॉफिट टेस्टिंग, कि सरेंडर्स खाली ईयर एंड पे ही होता है। तो किस तरीके से टैकल करते हैं? जो लोग साल के एंड पे जिंदा थे उनका सर्टेन परसेंटेज विल सरेंडर। तो सरेंडर का परसेंटेज क्या दिया हुआ देखो? 2.5% चेक करो सबको मिला। अच्छा तो सरेंडर को कैसे टैकल करेंगे देखना? 415.12 डिवाइड बाय 1.06 इंटू 1 माइनस Q45 सेलेक्ट इंटू 0.025। दिस इज द सरेंडर वाला कंट्रीब्यूशन। ना मरना इंटू ईयर एंड पे सरेंडर करना। मैं फिर से बोल रहा हूं, ना मरना इंटू सरेंडर करना। जो लोग साल के एंड पे जिंदा थे उनका 2.5% सरेंडर करेगा। ओके नाउ नेक्स्ट सर कैलकुलेट कर लेना फटाफट। केस थ्री करेंगे इसके बाद में। एक बात ध्यान रखना, आज तक करते आए हैं ईयर बाय ईयर। नोट में लिख दो ये वाला चीज, लिखो नोट में, कॉपी के ऊपर नीचे बगल वाले का फाड़ के लिखो, हिंदी में लिखो। आज तक ईयर बाय ईयर करते आए हैं, आज तक ईयर बाय ईयर कैलकुलेशंस करते आए हैं। बट इस समय आज तक ईयर बाय ईयर कैलकुलेशंस करते आए हैं बट इस समय केस बाय केस कैलकुलेशंस होगा ध्यान से सुना। मैं तो देखो ईयर बाय ईयर का मतलब क्या होता है? ईयर वन वाला किया तो ईयर वन का कैश फ्लोज में प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ईयर टू का कैश फ्लोज में प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दिया, वो होता है ईयर बाय ईयर। इस समय केस बाय केस मतलब क्या होता है देखना, अब समझ में आएगा। केस थ्री लिखना, डेथ इन सेकेंड ईयर। जब डेथ होगा सेकेंड ईयर में तो पहले तो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे उस केस का। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे?
माइनस 84.88 डिवाइड बाय 1.06 प्लस माइनस माइनस 111.55.36 डिवाइडेड बाय 1.06 का स्क्वायर लिखो, माइनस 111.55.36 डिवाइडेड बाय 1.06 का स्क्वायर। तो ये वाला जो आ रहा है ना, दिस इज व्हाट, ये क्या है बताओ, आराम सोच के बताइए, दिस इज व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ केस थ्री। अब केस थ्री होगा इसका प्रोबेबिलिटी क्या है कि पहला साल में ना मरा, ना सरेंडर किया, इनटू सेकेंड ईयर में मरा। चलो करो, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो पहले। नाउ दिस इज इक्वल टू जो भी आ रहा है इनटू 1 माइनस Q45 सेलेक्ट इनटू 1 माइनस 0.025 इनटू Q45 गलत 45 प्लस 1। कदम कदम पे खतरा है, इतना आसान नहीं है ये कोर्स। तो सुन के आ गए थे, लव मैथ्स ज्वाइन एक्चुअरीज नो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, Q45 प्लस 1 को 46 माइनस 1 प्लस 1। अब सुनो इस बात को, अब समझना है, नोट लिखवा दिया पहले ही कि इसमें ईयर बाय ईयर कैलकुलेशंस नहीं हो रहा। कैसे हो रहा कैलकुलेशंस, केस बाय केस। ये हो गया सबको। अब केस फोर तो बहुत ही सिंपल है, केस फोर का पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, केस फोर का पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, इनटू क्या क्या करेंगे बताना, ना मरना, ना सरेंडर करना, ना मरना। आई होप समझ में आयो, ना मरना, ना सरेंडर करना, ना मरना। ना मरना फिर से क्यों बोल रहा हूं, सेकेंड ईयर का ना मरना, लेकिन सेकेंड ईयर में सरेंडर तो हो नहीं सकता है। तो केस फोर माइनस 84.88 डिवाइड बाय 1.06 माइनस 392.31 डिवाइडेड बाय 1.06 का स्क्वायर प्लस हो गई है, इज इक्वल टू जो भी आ रहा है इनटू 1 माइनस Q45 सेलेक्ट इनटू 1 माइनस 0.025 इनटू 1 माइनस Q45 प्लस 1। चारों केस का मैंने कंट्रीब्यूशन निकाल दिया एपीवी में, फिर क्या करेंगे, टोटल ईपीवी का मतलब क्या होता है, केस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब मत बोलना सर माइनस वन है, ये केस 1 2 सबको ऐड कर दो, चारों केसेस को ऐड कर दो, जोर से बोलो। हाँ यहां पर माइनस ही है एक्चुअली, वो आपको दिख नहीं रहा है। एक बात बोलना चाहते हैं, अगर किसी में टाइम और एनर्जी हो तो घर पे ना इसको, घर पे मतलब छोड़ नहीं रहे, घर पे जाके इसको नॉर्मल वाले मेथड सॉल्व करना। जब नॉर्मल वाले मेथड सॉल्व करोगे तो देखोगे ईपीवी जो आता था ना हम लोग का ईपीवी, वो एकदम सेम आएगा। लाइक आप जब एनयूसीएफ निकालते हो ना, एनयूसीएफ से फिर आप लोग क्या करते हो पीएससी, फिर उसका जब एनपीवी निकालते हो ना एनपीवी, एकदम पूरा सेम आएगा। लास्ट वाला स्टेप जो होता है ईपीवी ऑफ प्रीमियम्स के ऊपर, क्या पहले क्या करते हो प्रोटी, फिर पीएससी, फिर उसका टानते हो ना उसको, एकदम सेम आंसर आएगा। ये अलग तरीका से दिखाया गया है, इस समय अलग तरीका से दिखाया गया है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सम। ओके 2 मिनट्स ब्रेक, कितना बज रहा है, कितना, एक सम कर लो, कौन कौन बोले एक सम कर सकते हैं। अरे डर मत रे, हम जब तक है तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा तेरा, एक सम हो जाएगा। 5 मिनट का ब्रेक ले लो।